हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसका आज लास्ट पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसका हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी डिबेंचर के निर्गमन पर जो इंटरेस्ट लगता है उसका जो अकाउंटिंग किस प्रकार से किया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आपको ब्याज देय होने पर, यानी इंटरेस्ट जब ड्यू होता है, तब आप एंट्री करते हो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS। इसके बाद में जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी ब्याज के भुगतान की, यानी ब्याज इन इंटरेस्ट का पेमेंट करना है आपको, तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी इस ब्याज की जो राशि है उसको आपको ट्रांसफर करना होगा P&L अकाउंट में। इंटरेस्ट की जो राशि है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो तीसरी एंट्री वो होगी स्टेटमेंट P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और जो लास्ट एंट्री होगी वो इस TDS को गवर्नमेंट के, यानी सरकारी खजाने में जमा कराने की एंट्री होगी, तो एंट्री होगी TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ये जो TDS का जो पॉइंट है अगर वो नहीं हो इन एंट्रियों में, अगर नहीं हो, तो उपर्युक्त ये दो प्रविष्टियां हैं, ये जो दो एंट्रियां हैं पहली और दूसरी, इन दोनों की जगह केवल एक प्रविष्टि होगी, एक एंट्री होगी, वो ये होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप दोस्तों आपको ये एंट्रियाँ समझ में आई होंगी। एक बार और इनको गौर से देख लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। 1 अप्रैल 2013 को सत्या लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5012% ऋण पत्र 5% बट्टे पर 1 मई 2013 को या इससे पहले देय प्रार्थना पत्र के साथ पूर्ण भुगतान के बदले निर्गमित किए। ऋण पत्रों पर ब्याज प्रतिवर्ष 30 सितंबर एवं 31 मार्च को चुकाया जाएगा। इसके लिए जनता से 5000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। उसी तिथि को सत्या लिमिटेड ने बैंक से 1.5 लाख रुपये उधार लिए एवं 3 लाख रुपये के ऋण पत्र समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जमा कराए। ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में, बैंक ऋण लेने के संबंध में एवं वर्ष 2013-14 के लिए ऋण पत्रों पर ब्याज के संबंध में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। दोस्तों, जो हमारा एग्जाम्पल था उसके अकॉर्डिंग ये केवल 6 प्रविष्टियाँ होंगी। जो पहली प्रविष्टि होगी, पहली एंट्री होगी, वो रिसीव्ड करने की होगी, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट की जो मनी है उसको रिसीव्ड करने की एंट्री होगी। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। इसके अंदर 4,75,000 रुपये इसलिए हुए क्योंकि 5% बट्टे पर निर्गमित किए गए थे, तो वो 5% यानी कि 25,000 रुपये आपके बट्टे के कम हो जाएंगे, तो 4,75 रह जाएंगे। जो सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो डिस्काउंट था 25,000 रुपये, वो 2 12% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख, यानी कि 5 लाख निर्गमित किए 5% बट्टे पर, तो वो 25,000 रुपये कम हो गए, वो रिसीव्ड हो गए 4,75, और 5 लाख की निर्गमन की एंट्री कर दी। ठीक है, उसके बाद में आपने बैंक लोन लिया, एक लोन लिया था 1.5 लाख रुपये का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपये टू बैंक लोन अकाउंट 1.5 लाख रुपये। अब उसके ऊपर देखिए, 30 सितंबर और 31 मार्च को प्रतिवर्ष इन दो डेट को क्या ब्याज चुकाया जाता है, तो 5,000 जो ऋण पत्र थे उस पर सितंबर तक यानी 5 महीने तक कितना ब्याज हुआ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी 25,000 रुपये का हो गया, तो वो एंट्री कर दी। इसके ऊपर TDS था नहीं, तो उन दो एंट्रियों की जगह केवल ये एक एंट्री होगी, वो अभी आपको बताई थी ना एंट्रियाँ, तो केवल ये एक एंट्री होगी। फिर वो जो सेकंड जो ब्याज की रकम होगी वो होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 30,000 रुपये, क्योंकि 5,000 जो ऋण पत्र हैं, जो डिबेंचर है, उस पर 6 मंथ यानी 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो 30,000 रुपये का बनेगा। उसके बाद जो लास्ट में ये जो दोनों इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हम P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे, 30,000 और 25,000 55,000 हो जाएंगे, ये आपकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर कंप्लीट होता है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर जो किताब थी आपकी, जो बुक थी कॉरपोरेट की, उसके अंदर इस चैप्टर में केवल इतना ही टॉपिक था। अगर आप इस चैप्टर को और विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी 12th क्लास की बनाई हुई वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी विस्तृत तौर पर बताया गया, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में केवल इतना ही मैटर था आपका, जितना मैंने इन 5 पार्टों के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब